स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज हम आए हुए हैं सेंट्रल दिल्ली। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बच्चों से मिलेंगे जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया और बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। योगेश। सन्नी श्रीवास्तव। रोशन गुप्ता। कौन से स्कूल से हो आप? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीकरी। टीकरी। आप? मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट ज्योति नगर शाहदरा। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिला महल कमला मार्केट। ठीक है, कमला मार्केट। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे कि आप फर्स्ट आए हो क्लास में। yes, sir, कितने परसेंट बने आपके? बेस्ट फोर में 86%। ठीक है, आप फर्स्ट आए हो। और आप? सर मैं भी फर्स्ट हूँ अपनी क्लास में। मेरी बेस्ट फोर में 90% परसेंट बने। हाँ। ठीक है, आपके? सर मेरी बेस्ट फाइव में 88% और बेस्ट फोर में 90% है। ठीक है, तो कैसे तैयारी करी आपने? सर मैंने आपकी स्टार्टिंग से ही वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी थी और आपके पेड नोट लिए, आपकी एपिसोड वीडियो देखी और आपसे कांटेक्ट में रहा और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया और इतने अच्छे नंबर आए कि मुझे आज खुशी होती कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। कभी सोचा था? नहीं सर, कभी सोचा नहीं था, पर अब सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छे नंबर ले लिए जो आपके साथ कांटेक्ट रहा मेरा स्टार्टिंग से ही। आपको? आपने सोचा था फर्स्ट आओगे क्लास में? नहीं सर, मैंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज मेरे फर्स्ट टर्म में बहुत कम मार्क्स थे और इलेवंथ में तो मेरी वो मतलब 57% थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी इतनी अच्छी आएगी। ठीक है सर, आपकी वीडियोस मेरे को लास्ट टाइम पे बहुत अच्छी लगी। प्री बोर्ड में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से लास्ट में आपकी मैंने वीडियोस देखी तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और फिर उसके बाद मैं बाजार से गया, लास्ट 10 ईयर के पेपर देखे जो आपने रिकमेंड किए थे, उस वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हुई। ठीक है, तो मतलब शुरू से ही जुड़े हुए आप हमारे साथ और तीनों ही फर्स्ट आए हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट टाइम पे आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? एक एक लाइन में ही बताना है, ज़्यादा बढ़ानी। जो नए बच्चे आए हैं ट्वेल्थ में, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो कि कैसे पढ़ें वो? मेरा कहना है कि कम से कम रेगुलर 4 से 5 घंटा रोज डेली पढ़ना चाहिए और सर की वीडियोस देखो और एपिसोड वाली वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि लास्ट टाइम में इतनी अच्छा बेनिफिट दिया कि मुझे जियोग्राफी में 93% आए थे वो एपिसोड वीडियो देखने के कारण ही। ठीक है, आप? सर बच्चों को डेली रेगुलर पढ़ना चाहिए और शुरू से ही पढ़ना चाहिए, और लास्ट टाइम पे जैसे होता है ना, ज़्यादा बार रिपीट कर लेते हैं हम सिलेबस तो थोड़े मतलब अच्छा सा नहीं लगता पढ़ने में, तो वो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हमें पढ़ते रहना चाहिए वरना। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ना चाहिए, कहने का मतलब ये है। सर मेरा कहना है कि आप एक चैप्टर मिनिमम 2 टाइम्स तो पढ़िए ही, उसके बाद आप उसका अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लास्ट टाइम में आप पूरी बुक पढ़ने नहीं बैठ सकते, आप अपने नोट्स ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, उसे रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।